हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आलू और पत्ते वाले लहसुन की सब्जी। ये हम भुजिया सब्जी बना रहे हैं आलू और पत्तेदार लहसुन से। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और अभी ठंड का मौसम चल रहा है और इस समय पत्ते वाले लहसुन और ये जो हमारे पास छोटे छोटे आलू होते हैं नए वाले, वो इजीली मिलते हैं और इन दोनों से हम बहुत ही अच्छी सब्जी तैयार कर सकते हैं। इसे आप भाजी भी बोल सकते हो, ग्रीन भाजी भी बोल सकते हो। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने आधा किलो आलू ले लिया है, छिलके को हमने हटा दिया है, अच्छे से साफ कर लिया है आलू को धो के। दो हरी मिर्च हमने ले ली है और ये हमने लिया है पत्तेदार लहसुन। लहसुन हमारा लगभग 150 ग्राम है। और भाजी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हो। 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है और ये हमने लिया है 3 छोटे चम्मच नमक। नमक की मात्रा आप अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आलू को काट लेंगे पतला पतला और ये जो हमारे पास पत्तेदार लहसुन है इसे भी हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। ये जो नीचे का भाग है इसे नहीं डालना है, यानी इसे 2-4 आप डाल सकते हो लेकिन सारे का ये जो नीचे का भाग है इसे नहीं ऐड करना है। तो 2-4 हम कट कर लेंगे पूरा और बाकी की पत्तियां ही हम कट करेंगे। चलिए इसे कट कर लेते हैं। इसे हम निकाल देंगे। लहसुन को हमने कट कर लिया है पत्तियों को और इतने हमने ये जो नीचे के भाग थे इन्हें निकाल लिया है और 4 से 5 नीचे के भाग को भी हमने कट करके इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम आलू को भी कट कर लेंगे, बारीक बारीक कट करना है इसे हमें। आप देख सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। हमने सारे आलू को भी बारीक बारीक कट कर लिया है और गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो अब हम उसमें ये ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई हरी मिर्च। और अब हम डाल देंगे इसमें लहसुन। इन्हें अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर हमने फ्राई कर लिया है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए आलू और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसे ढक के नहीं पकाना है, इसे खुला ही रहने देंगे और बहुत ज्यादा इसे चलाना भी नहीं है जिससे कि आलू हमारा टूट जाए। तो हम बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर से इसे चलाएंगे लेकिन आसानी के साथ चलाइएगा, बहुत ज्यादा इसे फेंटना नहीं है ताकि आलू हमारे टूटने नहीं चाहिए। और चलिए इसे हम चला के देखते हैं। इसे हमें बिल्कुल इस तरीके से चलाना है और फिर हम इसे फैला देंगे और फिर हम इसे थोड़ी देर और पकने देंगे, फिर इसे हम चलाएंगे। यानी इसे हमें थोड़ा कुरकुरा करना है। सब्जी हमारी आधी पक चुकी है लगभग, तो अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और फिर हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम फिर से अपनी सब्जी को एक बार चेक कर लेते हैं। सब्जी हमारी काफी अच्छी और कुरकुरी हो चुकी है और आलू पक भी चुके हैं अच्छे से, आप चेक करके देख सकते हैं। तो ये आलू भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद।
और ये हमारी भुजिया सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे रोटी पराठा किसी के भी साथ खा सकते हो, या आप इसे दाल चावल के साथ भी खा सकते हो। ये बहुत ही अच्छी लगती है और इन दिनों तो इसके टेस्ट और भी अच्छे आते हैं, क्योंकि अभी ठंड में ये बहुत ही ताजा ताजा मिल जाते हैं हमें बड़े आसानी के साथ। तो आप इसे बना के जरूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।